हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th में मैथमेटिक्स, आरएस अग्रवाल। और ये पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का आपका, आरएस अग्रवाल महोदय की बुक से। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम में आखिर यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको स्टूडेंट ये कह रहे हैं यूक्लिड्स महोदय ने कहा है यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम says that, क्या कहता है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं या नंबर की जगह पर इंटीजर कह लें, इंटीजर ही कह लीजिए, वो इंटीजर ही ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट क्या देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स कौन कौन सा, मान लीजिए कि Q and R। अभी हम आपको समझाएंगे ये होता क्या है। A is equal to BQ plus R। ये A स्टूडेंट ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, B Q कोसेंट है और R आपका रिमाइंडर है। अब यहां पर स्टूडेंट आपको समझना होगा कि वेयर जीरो से या तो आर बड़ा है या फिर उसके बराबर है और बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये हम लोग देखते हैं। अब ये समझ लीजिए स्टूडेंट कि यहां पे बोल रहा है यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम में, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज आइदर लेस और इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। अब यहां पर समझिए ए क्या है, ये ए आपका डिविडेंड है, सॉरी बी क्या है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। स्टूडेंट यहां पे ये समझिए, आप मान लीजिए कि 7 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अभी आपका ए 7 हो गया और बी 4 हो गया क्योंकि डिवाइजर है और ये ए क्या है आपका डिविडेंड है। अब 4 से मान लीजिए 1 बार में करते हैं तो 4 बन जाए 4 और 3 आपका क्या बचता है, 3 आपका बचता है रिमाइंडर। तो अब देखिए ये ए है तो ये यहां पर ए आ गया, ए इज इक्वल टू
बी, ये बी हो गया आपका क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब ये सेवन अगर हम इसकी जगह पर रख देते हैं स्टूडेंट, देखिए ये सेवन अगर हम इसकी जगह पर रख देते हैं तो ये देखिए हमारा बी हमारे पास क्या था, फोर था, फोर क्यू हमारे पास क्या था, वन था, और आर हमारे पास क्या था, थ्री है। तो सेवन फोर वन या फोर और थ्री सेवन, तो ये इक्वल हो रहा है, यही यूक्लिड में मैंने हमको समझाया था। तो ये यूक्लिड का क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आखिर क्या बोलता है। तो ये है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट बोल रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड नंबर। तो कितना आसान है स्टूडेंट, सोचिए हम लोग तो छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज 10th क्लास में पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे डिवाइजर हमें दिया हुआ है 61, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, 27 क्वेश्चन दिया हुआ है और रिमाइंडर भी हमारे पास दिया हुआ है 32। तो हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो पहले तो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, गिवेन क्या क्या हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, जरा आप खुद ही ध्यान दीजिए, डिवाइजर दिया हुआ है। तो डिवाइजर हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, डिवाइजर जरा सोचिए 61। अच्छा, और फिर क्या हमें दिया हुआ है, क्वोशेंट भी दिया हुआ है, क्वोशेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वोशेंट हमें दिया हुआ है 27, क्वोशेंट 27, तो 27 लिख ले रहे हैं। अच्छा, रिमाइंडर भी हमारे पास दिया हुआ है, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, रिमाइंडर हमारे पास देखिए 32, क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। अच्छा अब एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो क्या हम लोग जानते हैं, दैट की डिविडेंट, अभी हमने देखा इधर यहां पे डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वैसे ही हम लोग यहां पे भी क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहां पे जानते हैं कि डिविडेंट डिविडेंट सॉरी डिविडेंट इज इक्वल टू क्या, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि कैसे सॉल्व करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते ही हैं। तो डिविडेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिविडेंट हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो डिविडेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। डिवाइजर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिवाइजर हमारे पास दिया हुआ है 61 और कोशेंट कितना है हमारे पास 27 प्लस 32। अब स्टूडेंट 61 और 27, 61 और 27 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 61 और 27 को, तो 7 वन जा 7, 7 सिक्स जा 42, 2 वन जा 2 और 6 टू जा 12, यही होगा ना स्टूडेंट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7, 4, 6 और 1 आ जाएगा, यही आएगा ना स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई किया है जो हमने, तो हमारे पास क्या आया है 1647, तो 1647 प्लस 32। अब इस 32 इसमें ऐड कर देंगे 7 और 2, 9 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिविडेंड हमारे पास हो जाएगा ये 1679। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है।
तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। तो अब की पूछ रहा है कि किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, यानी डिवाइजर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिवाइजर, ये डिविडेंड है हमारे पास, आपकी डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर के बारे में पूछ रहा है। तो पहले गिवन जो जो चीज हमको दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं उसको। गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये क्या है स्टूडेंट? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड हमारे पास दिया हुआ है। डिविडेंड कितना दिया हुआ स्टूडेंट? कितना इसको का है? 1365 ये दिया हुआ है। अच्छा, और ये क्या स्टूडेंट? क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन। कितना दिया हुआ स्टूडेंट? ये हमारे पास 31। अच्छा, और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर सॉल्व ही कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि फिर एज वी नो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं स्टूडेंट हम लोग? एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं ना डिविडेंड? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिवाइजर। एंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और क्या सोचिए, कोशेंट। प्लस रिमाइंडर। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे डिविडेंड कितना दिया हुआ है हमारे पास, डिविडेंड 1365 दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है हमारे पास? डिवाइजर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो डिवाइजर को ऐसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट हमारे पास? 31 दिया हुआ है, तो 31 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को 32 इधर कर देना होगा, इंप्लाइज दैट 1365 माइनस 32, कर दीजिए 32 इधर। तो ये हमारे पास इधर डिवाइजर बच गया इंटू 31। अच्छा, ये माइनस कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 माइनस कीजिए तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस कीजिए तो 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई में था आपकी किस में आ जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड करने तो स्टूडेंट आपको आता ही होगा, आइए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो 4 टाइम में 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, 13 तो 9, ये तोड़ गया ये 3, तो ये 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 93। ये कहानी इसकी समाप्त है। तो यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट क्या, कितने बार में? 43 बार में, 43 टाइम में ये उड़ गया, उड़ा ही दिया जाए 43 टाइम में, ये पूरा उड़ गया। ठीक, डिवाइजर। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा यही है 43। क्या है? 43। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग
क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करें। देखें 4 क्या बोलता है। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस मच। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से कि हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं और सेकंड थर्ड फिर थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं आपको अगर समझ में आए तो खुद भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं स्टूडेंट इन दोनों में सब छोटा कौन है। ये छोटा है तो इससे हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। 405 से डिवाइड करते हैं 2520 में। ये तो आपको लेकिन एचसीएफ आपको आता ही होगा। ये तो मेरी ऐसी आशा है, ऐसा मेरा सोचना है कि आपको आता होगा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। लेकिन फिर भी आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एचसीएफ ही निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये कितने टाइम में, ये 6 टाइम में हो जाएगा। तो 6 टाइम में करेंगे तो क्या होगा, 5 6 30 और ये 3 6 4 24। इस तरीके से आया स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको तो ये 0, ये और ये क्या होगा 12 में से 3 माइनस होगा तो 9। अच्छा, और 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 और ये तो 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, समाप्त हो गया स्टूडेंट। आप जो भी समझिए, जैसे भी समझिए, 405 यहाँ पे बचता है, 405 और ये 90। तो अब जरा सोचिए कि कितनी बार में लग सकता है। क्या ये 5 बार में, 95 क्या 45, तो 450 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 टाइम में करके, 4 टाइम में करके देखते हैं क्योंकि 5 टाइम में ज़्यादा हो रहा है। तो 4 टाइम में करके देखते हैं 360। ठीक, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये तो गया और ये हो जाएगा 90, यहाँ पे आ गया। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आ जाता है, फिर ये जो रिमाइंडर बचता है तो यहाँ लौट के यहाँ पे आ जाता है 2 टाइम में, तो ये 90। तो ये तो हमारा हो गया। ऐसे हमको करना पड़ता है तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। लेकिन हमको ऐसे निकालने के लिए नहीं कहा, यहाँ तो 45 हमारा आ गया एचसीएफ, लेकिन ऐसे निकालने के लिए तो नहीं कहा है उसने, तो कहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो हम लोग यूक्लिड के एल्गोरिथम का सहारा लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड्स का एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखिए लिखेंगे सिंस 405 इज लेस देन 2520। यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इज इक्वल टू bq प्लस r a, यानी कि ये, यानी कि 2520। इससे डिवाइड किया हमने, किससे डिवाइड दिया, 405 से, 405 से डिवाइड दिया। तो 405 से कितनी बार में डिवाइड दिया है, तो 6 टाइम में, तो 6 लिख देंगे। कितना आया, 90 आया। लेकिन क्या हुआ 90 तो नहीं हुआ, 0 नहीं आया यहाँ तक। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको करना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं अगेन अप्लाइंग
यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स का एल्गोरिथम एक बार और अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब क्या होगा। अब तो ये डिवाइड हमने कर दिया था, किससे डिवाइड किया था, 405 को, तो 405 लिखेंगे यहाँ पे। किससे डिवाइड किया था, 90 से, तो 90 लिखेंगे। देखिए कितना आसान है, पहले आप समझिए कितनी बार में किया था, 4 टाइम में, तो क्या रिमाइंडर बचा था, 45 बचा था। लेकिन अभी भी जीरो नहीं आया, जब अभी भी जीरो नहीं आया तो हमको क्या करना होगा, एक बार और अप्लाई करना होगा, शायद अब की जीरो आ जाए। ये तो लेकिन आ गया है, फिर भी हम देखते हैं, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम, अच्छा अब की क्या है, अब की देखिए 45 से हमने डिवाइड किया ना, किसको किया है, 90 को किया है, तो 90 को कितने से किया है, 45 से किया है, 45 से कितने बार में किया है, 2 बार में, और रिमाइंडर में क्या है, 0। यस, अब की हमें 0 मिला, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द लास्ट नॉन जीरो सिंस द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 45, हेंस HCF ऑफ कितने कितने का HCF हमने निकाला, 405 एंड 2520 इज 45। ये हमने कितनी आसानी से निकाल लिया स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से आपको समझ में आया स्टूडेंट, तो नेक्स्ट दो जो क्वेश्चन है आप लोग के पास स्टूडेंट, क्या वो आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेरा काम आपको समझाना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझा देना है, कुछ तो आपको करना ही होगा। तो आपको तो ये देखना होगा कि क्या ये आपसे हो रहा है, अगर आपसे सॉल्व होता है तो फिर मेरी आवश्यकता ही क्या है, मेरी जरूरत क्या है। आप सॉल्व करके देखिए, ये मैंने समझाया आपको पैटर्न, आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें, ताकि उनको भी आपकी तरह फायदा हो इस वीडियो का। तब तक के लिए, जब तक कि हम अपना नया वीडियो नहीं डाल दें, गुड बाय।